लास्ट वन प्रोसेस स्टोरेज। स्टोरेज जब हम लोग अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर देते तो उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि जो हमारी यील्ड है वो हम सेफ रखें ताकि वो हम लंबे समय तक उन्हें यूज़ कर पाएँ। एंड हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आपकी जो क्रॉप है उसे एज अ सीड्स भी स्टोर करके रखते हैं। सीड्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पर टू मेथड्स है, स्मॉल स्केल पर एंड लार्ज स्केल पर। स्मॉल स्केल पर जूट बैग्स का यूज़ करते हैं, मेटेलिक बिन्स का यूज़ करते हैं एंड लार्ज स्केल पर सिलोज एंड ग्रेनरीज का यूज़ करते हैं। एंड स्टोर करने के लिए हम लोग अपनी जो आपकी क्रॉप है हम उनको पहले एक अच्छे से सनलाइट में उनको ड्राई करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक तो बना हुआ रहे एंड किसी भी मॉइस्चर से वो इफेक्ट ना हो। सो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन नेसेसरी होता है ताकि जो हमारी क्रॉप है वो पेस्ट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट हो पाए। फार्मर अपनी क्रॉप को अच्छे से ड्राई करने के बाद अपनी क्रॉप को जूट बैग और मेटेलिक बेंद में स्टोर करते हैं। मेटेलिक दैट मीन्स कि मेटल्स के बने हुए किसी कंटेनर में एंड यू कैन से जूट बैग। जब कभी हमें लार्ज स्केल पर अपने ग्रेन को स्टोर करना होता है तो हम करते हैं सिलोज एंड ग्रेनरीज में ताकि हम उन्हें पेस्ट से एंड रोडेंट्स जैसे कि रेट्स हो गए एंड इंसेक्ट से उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। एट होम हम लोग अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ड्राई नीम लीव का यूज करते हैं। एंड जब हमें लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन को स्टोर करना होता है तो हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट का यूज करते हैं ताकि जो पेस्ट है एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे वो सेफ रह पाए। हियर इज लास्ट टॉपिक, फूड फ्रॉम एनिमल्स। यू नो वेरी वेल कि देर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट के बारे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं एंड फूड आपको पता है हमें एनिमल्स से जो फूड मिलता है जैसे कि मिल्क, मीट, एग्स एंड एक्सेट्रा। मोस्टली हमारी कंट्री के कोस्टल एरिया में बहुत से लोग फिश को कंज्यूम करते हैं इन दैट डाइट। जस्ट लाइक क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें भी बहुत से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही हमारे जो एनिमल्स जो हम लोग फूड ऑप्टेन कर रहे हैं एंड या फिर एनिमल्स से हम बहुत सी चीजें कि फाइबर्स हो गया ये भी ऑप्टेन कर रहे हैं, इनकी भी प्रोसीजर होती है। सो जो एनिमल्स रियर एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। एनिमल को घर पर या फार्म पर रियर करना एंड उनको अच्छे से फूड प्रोवाइड करवाना, उनको अच्छे से शेल्टर एंड के अच्छे से केयर करना, ये सारी प्रोसेस जब एक लार्ज स्केल पर होती है तो इसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का ही ब्रांच होता है जिसमें एनिमल्स को मीट के लिए, फाइबर, मिल्क, एग या अदर प्रोडक्ट के लिए रेस्ट किया जाता है। इसमें डे टू डे केयर की जाती है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है एंड लाइव स्टॉक को रेजअप किया जाता है। यू कैन सी योर पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल दैट आर रेयर्ड एट फार्म। यू कैन सी योर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उत्तराखंड वेयर आर काउज आर रेयर एंड गिव देम सेफ्टी एंड फूड। सो गाइस विद दिस पॉइंट एनिमल हस्बेंड्री योर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड हियर योर क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।